Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So आप देख रहे हो मैं बहुत दिन से inactive हूँ YouTube पे. So आज मैं जा रही हूँ बोरिवली. तो place कौन सा है आप मुझे comment में बता दो कि मैं कहाँ जा रही हूँ. बाकी आपको मेरे ब्लॉग से पता चलने वाला है मैं कहाँ जा रही हूँ. घर से निकल के मैं ट्रेन से ट्रैवल करके आई हूँ भांडू स्टेशन तक और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे लेने आए. तो अभी हम लोग कार से जाएंगे बोरिवली. तो कुछ लगता है 1 hour 45 minutes बोरिवली जाने के लिए. तो फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कि मैं कहाँ जा रही हूँ बोरिवली में, बिकॉज वो बहुत फेमस प्लेस है. और इतना दिन तो मुंबई में बहुत बारिश हो रहा था पर आज बहुत ज्यादा धूप है. तो अभी देखते हैं आगे आगे शायद क्लाइमेट चेंज हो जाए. तो अभी मैं बैक सीट से फ्रंट सीट पे आ गई हूँ और अभी हम लोग पहुंच गए जोगेश्वरी और अभी हमको और 20 मिनट्स है बोरिवली पहुंचने के लिए. सो बहुत ट्रैफिक है नॉर्मल सा और थोड़ा क्लाइमेट अभी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा धूप से थोड़ा छाव वगैरह है अभी. तो अभी क्या है ना, अभी बज रहा है 1:00 मेरे को लग रहा है भूख. तो अभी अपन कहीं रुक के खाएंगे. मेरे को भूख लगा है. तुम दोनों को भूख लगा है? ओके, तो इतना टाइम से बोलना चाहिए ना भूख लगा है. उसमें मेरे को ही ब्लेम करेंगे, तेरे को ही खाना था, तेरा ही ब्लॉग लेट बना. कुछ डेस्टिनेशन से 5 मिनट्स पे है हम लोग. हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए जिसका नाम है नमस्कार रेस्टोरेंट. बोरिवली में ही है तो सी फूड के लिए काफी फेमस है. मैंने तो वेज लिया है लेकिन मेरे दोस्त लोग चिकन नहीं खाते तो सी फूड भी क्या खाएंगे. तो पता नहीं सी फूड में क्यों लेके आए खाने के लिए, सच रेस्टोरेंट में ही चले गए. बट इट्स ओके, वेज खाना भी अच्छा ही. हम लोग अभी अंदर नहीं जाने देते. सो यहाँ पे पार्किंग करना पड़ता है. तो पार्किंग चार्जेस 4-wheeler का 220 है और 2-wheeler का समथिंग 88 कुछ तो है. तो यहाँ से 80 समथिंग. यहाँ से फिर तुमको अगर कनेरी केव्स वगैरह जाना है तो तुमको बस वगैरह लगेगा. तो तुम बस से जा सकते हो या फिर साइकिल भी हायर कर सकते हो. हम लोग एंट्री किया तो यहाँ से साइकिल हायर कर सकते हैं. तो साइकिल का जो फेयर है वो 2 hours का 80 rupees है. तो अभी तो फिलहाल साइकिल से तो जाने का है नहीं क्योंकि हम लोग बस से जा रहे हैं. ऑलरेडी बहुत लेट हो गया और अभी गाड़ी चालू हो गया, साइकिल से जाने का बिल्कुल मन नहीं है. तो मैं आपको दिखाती हूँ साइकिल कहाँ से हायर कर सकते हैं. बस लेने वाला है पर बस को ज्यादा ही लेट है. सो हम लोग ने कैब लिया है जो कैब का फेयर है 50 rupees पर है. तो हम लोग कैब से जा रहे हैं, आधा घंटे तक बस से आ जाएंगे. तो वो भी आपको डिटेल्स में बताऊंगी बस का क्या है और कैसे जाना है. अभी फिलहाल वहाँ पहुंचते हैं और फिर आगे का डिटेल्स बताते हैं.
गेट्स पे पहुंच गई हूँ और थोड़ा ही चलना है, इतना कुछ है नहीं, चल सकते हो। और ये एंट्री गेट है, पीछे आप जो देख रहे हो वो टिकट हाउस है, तो यहाँ से टिकट लेते हैं फिर अंदर जाएंगे। टिकट कॉस्ट 25 पर पर्सन, तो 25 पर पर्सन और फिर कनेरी के और फिर आगे आगे। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है कनेरी केव, तो थोड़ा आगे जाके देखते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही 16th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज यहाँ पे आए तो उन्होंने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को यहाँ से हटा दिया, तो जिसके वजह से ये जो कार्विंग है ये आधा अधूरा ही बना है और बहुत सारी चीजें तो उन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दी है। और इसका सबसे स्पेशल बात ये है कि ये एक ही माउंटेन पे बहुत सारा अच्छे से कार्विंग किया गया है।
तो अब देख लो ये जो सारे पिलर्स है, सारे पिलर्स में कुछ ना कुछ कार्विंग किया गया है। तो और भी करके डिस्टर्ब बहुत हुए, लेकिन कार्विंग वगैरह पे जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सब देखने लायक है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे साउंड रिपीट हो रहा है, देखो है यहाँ पे यूजली मेडिटेशन जब करते हैं तो वो जो असाइनमेंट फीस से लेना वो यहाँ पे है। तो वो जो आप देख रहे हो जो अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहा है। तो आप वहाँ पे देख रहे हो
वो जो है वो वाटर पूरा सेव कर रहा है इन शॉर्ट, मतलब जो है केस से पूरा पानी आ रहा है। अभी स्टोरेज टैंक देखा है तो ये और ये माउंटेन जब पूरा पानी जहाँ से भी आ रहा है वो एक ही जगह पे सेव होके ऐसे सब टैंक में सेव हो जाता है। सो ओवरऑल ये रेन हार्वेस्टिंग कंसेप्ट एशियन टाइम का, ये मुझे आपको बताना है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, लेकिन तब के टाइम से ये माउंटेन पे रेन हार्वेस्टिंग हो रहा है। एक्सप्लोर कर लिया है मैंने, तो अभी मेरे को मस्त बारिश हो रहा है, अभी मेरे को खाने का मन कर रहा है वड़ा पाव और एक गर्मा गर्म चाय। तो अभी वो ढूंढते ढूंढते पता नहीं ये लोग को कब मिलेगा वो रास्ता, पता चला रात हो गई और मेरे को चाय और वड़ा पाव मिला ही। तो बहुत सारा प्यार देना मेरे वीडियो को, बहुत शेयर करना और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ा देना। और आपको व्लॉग एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अच्छा है वहाँ पे देखने लायक, तो आप भी वहाँ पे जाओ विजिट करो कि बहुत अच्छा है। और अभी के लिए सिर्फ यही व्लॉग, फिर नेक्स्ट व्लॉग अभी देखते हैं।
अभी तो एक व्लॉग आएगा आगे आगे, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल व्लॉग रहेगा, वो काफी लंबा व्लॉग भी रहेगा, वो व्लॉग आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून और बहुत सारा प्यार दीजिए ये वीडियो को। थैंक यू सो मच। तो ये जो आप देख रहे हो कनेरी केव्स, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री मैं आपको बता देती हूँ। सो ये जो है ये 3 सेंचुरी BC के टाइम पे बनाया गया है, बुद्धिस्ट मॉन्क ने। तो इसके अंदर टोटल 107 केव्स, 109 केव्स है। और जैसे जैसे टाइम गया ना, तो फिर 16 सेंचुरी में जब पोर्चुगीज और इतना जाने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि सीट बेल्ट पहुंचकर एक तो मैं इतनी नाजुक सी, कभी तो मेरे बाल डंके लगते हैं और काफी अच्छे लगते हैं। अच्छे कितने नाजुक, है कितने माधे माधे बोला इट्स सो सोए सोए, क्या बोलूं, मतलब बकवास करेंगे लोग, बकवास। नहीं मैं कैसा मेरे ब्लॉग में गाली नहीं देना चाहती, तो इससे मैं अभी कोई मुझे कुछ भी बोलेगा ब्लॉग में तो वैसे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी सबके साथ। जैसे ही ऑफ कैमरा होगा ना ये, फिर तांडव होगा तांडव। कैसे होता है ना, अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं तो कैसा बाजू में जो बैकग्राउंड वॉइस रहता है ना, मतलब ये सब लोगों को कुछ काम नहीं रहता है। सर फालतू सो फालतू तो बोला दोस्तों, वरना फालतू तो नहीं बोला जो मतलब बोलते हैं, आजा मतलब सभी बोलते हैं। बोलता था कथा बोलता चलो बारिश होना चाहिए, बारिश ही नहीं। हूँ। आएगा आएगा, मेरा दोस्त ने बोला ना आएगा आएगा, वो खुद को भगवान मानता है ना, तो बोला तो होने वाला है, ऐसा वो मुझे बोलता है। देव अरे मीन्स देव कौन अली 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 के पाउस आला जंपर।